हाँ जी भाई, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर एक बंदे के गंजे होने पे 100 रुपए का खर्चा आ रहा है तो 10 गंजों पे कितना खर्चा आएगा? इस सवाल का जवाब कमेंट्स में दें, जब तक हम पब्लिक से पूछते हैं कि सवाल का जवाब क्या है। आइए। अस्सलाम वालेकुम सर, डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे आपको? 2 मिनट ले सकते हैं आपके सर। अस्सलाम वालेकुम। सर तंग तो नहीं किया आपको? नहीं, बिल्कुल। भजन, एक छोटा सा चैनल है हमारा YouTube के ऊपर, उस पर हम कुछ कॉमन सेंस के सवाल करते हैं, तो आपका कॉमन सेंस कैसा है? नॉर्मल है। नॉर्मल है, नॉर्मल तो हो गई। सर आपका सेंस होनी चाहिए। नहीं, कॉमन सेंस तो होनी चाहिए, वो तो है, कॉमन सेंस बेहतर। तो आपसे एक छोटा सा सवाल करता हूँ, मुझे ये बताइए कि एक बंदे के गंजे होने पे 100 रुपए का खर्चा आ रहा है तो 10 गंजों पे कितना खर्चा आएगा? 10 गंजों पे कितना खर्चा आएगा? बोलो। 10 गंजों को 1000 रुपए। फिर से सवाल सुने, एक बंदे के गंजे होने पे 100 रुपए का खर्चा आ रहा है तो 10 गंजों पे कितना खर्चा आएगा? आप दे रहे जवाब सर, एक भी पैसा नहीं आएगा क्योंकि वो ऑलरेडी गंजे है। कुछ भी एक बंदे के ऊपर खर्चा हो रहा है, 10 गंजे भी वही 100 रुपए खर्चा आएगा। हाँ मेरा भाई, अब पहुंचे ना ये मेरे भाई। अच्छा, ये हमारे व्यूवर्स को कह दें कि डिजिटल फनकार को सब्सक्राइब करें। भाईजान, ये डिजिटल फनकार को आप सब्सक्राइब कराएं और लाइक भी करिएगा।